हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। मेरा नाम दिनेश चंद्र राय है। मैं आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का मार्केटिंग एंड सेल्स। देखिए, क्लास टेंथ में मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें पूरे पूरे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और सब्जेक्ट कोड है 412 और CBSE बोर्ड के बोर्ड में ये मार्केटिंग एंड सेल्स की बात हम कर रहे हैं CBSE बोर्ड के लिए। और इसका सिलेबस, इसमें केवल 5 यूनिट्स हमें पढ़नी होती हैं, जो मैं अभी समझाऊंगा कि किस में क्या वेटेज है, यानी कि कितने मार्क्स हैं। तो बेटा, ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली इसकी 2 साल से इसकी मार्केट में भी कोई बुक्स वगैरह भी नहीं मिल पा रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे, समझेंगे। मैं पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जिससे कि आपके लिए जब भी वीडियो डाली जाए वो आपके पास आपको मिल जाए। और चलिए समझते हैं आप। सिलेबस CBSE का है और इसमें 5 यूनिट्स हैं मार्केटिंग एंड सेल्स में। हमें 5 यूनिट्स पढ़नी होती हैं। तो फर्स्ट यूनिट है सेल्स विद अदर फंक्शंस। इसमें इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें वो आएगा 5 मार्क्स का, फर्स्ट यूनिट से आएगा 5 मार्क्स का। सेकेंड है मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, वो आएगा 10 मार्क्स का। और उसके बाद थर्ड यूनिट पढ़ेंगे हम सेल्स प्रोसेस, ये आएगा 20 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा इस यूनिट से आता है 20 मार्क्स का। और उसके बाद फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे हम करियर्स इन सेलिंग, 10 मार्क्स का आएगा इसमें से। और उसके बाद यूनिट फिफ्थ पढ़ेंगे हम स्किल्स इन सेलिंग, स्किल्स इन सेलिंग, ये आएगा 5 मार्क्स का। तो टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स का। इस तरह से क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और इसका मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपको बता दिया थ्योरी 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स इसमें आते हैं, इसमें से इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट में से मिलते हैं जो स्कूल देता है। अब इसका डिजाइन देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर की, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 10 करने होते हैं तो 10 मार्क्स हो गए। 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स हो गए टोटल। फिर 7 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5 करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स का, एक होता है, यानी कि 3 मार्क्स के हिसाब से 5 3 15 मार्क्स के हो गए। और उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो 5 में से 3 करने होते हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 3 15 ये हो गए। टोटल हो गया 50 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे वो 31 क्वेश्चन आते हैं और करने होते हैं 23 क्वेश्चन करने होते हैं। सिंपल सा पूरा स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा कंटिन्यू, थोड़ा सा समझते रहें, वीडियो देख लें, इतने से ही हो जाएगा। थोड़ा वीडियो से इससे नोट कर लें, नोट्स बना लें, एक कॉपी बना लें नोटबुक में, इसके नोट्स बनाते रहें, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके इसके नोट्स उतार लें और उनको पढ़ते रहें और बाकी वीडियो को समझते रहें, तो आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आप पूरे पूरे, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इतना आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जिसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
ये यूनिट वन है और उसमें आज हम बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग करेंगे, मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है इसे समझते हैं। इतना जल्दी से कीजिए प्लीज। चलिए अब हम समझते हैं आज मार्केटिंग क्या होता है और सेल्स क्या होता है। जब मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें मार्केटिंग और सेल्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम यूनिट वन मार्केटिंग मिक्स। तो आज इसमें आज इतना ही पढ़ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स फिर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मार्केटिंग क्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है, मार्केटिंग और सेल्स में अंतर होता है। मार्केटिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी जानकारी को पहुंचाना, कैसे, चाहे एडवर्टाइजमेंट से पहुंचाएं और चाहे उसको लोगों को दिखा करके पहुंचाएं, प्रोडक्ट को लोगों को दिखाएं या उसका किसी टीवी में ऐड दें या किसी पेपर में ऐड दें या किसी बोर्ड में, साइन बोर्ड जो रोड के किनारे बोर्ड लगे होते हैं उनमें ऐड दें, किसी तरह से भी एडवर्टाइजमेंट करें, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, वो कहलाता है मार्केटिंग। और उस प्रोडक्ट को, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर देना, सेल का मतलब है बेच देना, और उसके बदले में प्राइस यानी कि उसके रिटर्न में, वापसी में उसकी प्राइसेस को कलेक्ट करना, वो कहलाता है सेल्स। अंतर समझ गए? किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारियां देना, उसके बारे में बताना, वो मार्केटिंग है। और उसको सेल आउट कर देना यानी कि उसको दे देना उनको और उसके बदले में पैसे ले लेना उनसे, तो वो सेल्स होती है। तो इसी को कैसे लिखेंगे ये समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा होगा। तो अब मार्केटिंग क्या है? इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट। यानी कि मार्केटिंग उस एक्टिविटी को कहा जाता है जो क्या करती है, शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग, दिखाने का काम और एडवर्टाइजिंग उसके बारे में बताने का काम, अ कंपनीज प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यानी कि जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में शो करती है, यानी कि लोगों को पब्लिक में शो करती है या उसके एडवर्टाइजमेंट करती है किसी भी बेस्ट वे पर, यानी कि किसी भी अच्छे तरीके से, कोई भी तरीका वो अपना सकती है अच्छा तरीका, तो उसे क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट थ्रू टीवी, टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, या बिलबोर्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड साइड में जो बिलबोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिनमें किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी कोचिंग सेंटर का, किसी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट होता है, वो लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसके बारे में फैसिलिटीज लिखी होती हैं, तो वो क्या होता है, वो मार्केटिंग है। तो वो मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। तो अब इसी तरह से सेल्स क्या होती है, अब सेल्स को और समझ लीजिए। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू कस्टमर। यानी कि किसी कस्टमर को किसी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, यानी कि किसी प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए गए गुड्स को एंड सर्विसेज को, वस्तु और सेवाओं को किसी कस्टमर को देना, एंड गेटिंग देयर प्राइस इन रिटर्न, और बदले में उसकी प्राइस कीमत को लेना, इज कॉल्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। तो क्या, प्रोवाइड का मतलब देना, देना एक बार फिर समझ लीजिए, किसी को देना गुड्स एंड सर्विस, सेवाओं को जो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, किसी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज को किसी कस्टमर को प्रोवाइड कराना और उसके बदले में प्राइसेज को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। इसे सेल्स कहा जाता है। एज ए प्रोड्यूसर कोई व्यक्ति अपना कोई भी प्रोडक्शन करता है, सपोज कोई एक मार्कर बनाता है, एक कंपनी मार्कर बनाती है, तो मार्कर को अपने कस्टमर को देना और उसके बदले में उसके पैसे लेना, ये क्या क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, सेल्स कहलाती है। तो आज इतना ही समझ लें और इसके बाद स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम, जो सिलेबस की है
और वो हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट होगी मार्केटिंग मिक्स, उसे पढ़ेंगे हम। तो इतना आप इसके इसको समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे इसकी वो आपके पास आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।